दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ फरा खान। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी गोविंदा के बारे में। आजकल काफी चर्चा में है गोविंदा, और ऐसा क्यों है ये तो सब जानते हैं, लेकिन गोविंदा ने फिर कुछ करा, फिर कुछ विवादित बोला। गोविंदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो रिलेशन पर कमेंट करते हैं। अब वो किसका रिलेशन है, क्या है? गोविंदा का ये कमेंट सभी को हैरान कर देता है। क्या है वो कमेंट, सोच में पड़ गए ना? चलिए आपको बता देती हूँ, ज्यादा इम्तिहान नहीं लेती, देखिए रिपोर्ट। नच बलिए 9 में विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली का रिलेशनशिप सबसे ज्यादा चर्चा में है। दोनों अक्सर सेट पर किसी न किसी बात को लेकर लड़ते रहते हैं। दोनों की नोकझोंक दिखती ही रहती है और उनका यह झगड़ा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। आपको बता दूं, उनकी अब तक जितनी भी परफॉर्मेंस हुई उसके बाद उनके झगड़ों को लेकर बातें चलती ही रहती हैं। वो दोनों अपने झगड़ों को जजेस के सामने रखते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो। जैसे पिछले परफॉर्मेंस में मधुरिमा को चोट लग गई थी और वो स्लिप हो गई थी, तो उसका भी उन्होंने दोषी विशाल को बताया था। दोनों इसी तरह लड़ते रहते हैं और अपनी परेशानियों को सामने रख देते हैं। अब चैनल ने शो का एक नया प्रोमो वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक्टर गोविंदा मधुरिमा और विशाल के रिलेशन पर कमेंट करते हैं। ये कमेंट आप सभी को हैरान कर देगा। जी हाँ, मैं ऐसे नहीं कह रही, उनका कमेंट चौंका देगा आपको। वीडियो में मधुरिमा और विशाल एक रोमांटिक परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी दिख रही थी। इसी परफॉर्मेंस के बाद जज अहमद खान मधुरिमा तुली और विशाल के रिलेशन को कबीर सिंह से तुलना करते हैं, लेकिन गोविंदा उन्हें बीच में टोकते हैं। जी हाँ, गोविंदा कहते हैं, सॉरी अहमद, लेकिन मैं इससे तुमसे अलग हूँ। जो प्यार जबस्ती वाला होता है वो 36 जगह मुंह मारता है, और जो 36 जगह मुंह मारता है वो प्यार प्यार नहीं होता। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। गोविंदा का कमेंट सभी को हैरान कर देता है। विशाल और मधुरिमा इस कमेंट से खुश नजर नहीं आते। जाहिर ऐसी बात से किसी के चेहरे पर खुशी नहीं रहेगी, सबके चेहरे से खुशी उतर जाएगी। और जबकि उनके प्यार को लेकर और रिलेशन को लेकर इतनी बड़ी बात जो की गई हो, अब गोविंदा के इस कमेंट का क्या मतलब है ये शो टेलीकास्ट होने के बाद पता चलेगा। वैसे दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो मधुरिमा और विशाल शो चंद्रकांता में साथ नजर आए थे, यहीं से इनके प्यार की शुरुआत हुई थी और दोनों एक हुए थे। लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सका और वो अलग हो गए। अब दोनों नच बलिए पर नजर आ रहे हैं। दोनों के डांस को काफी पसंद किया जा रहा है। दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, जैसा मैंने कहा कि उनके हर डांस में उनकी केमिस्ट्री झलकती है, उनका प्यार झलकता है। तभी तो हमेशा जज अहमद और रवीना टंडन कहते हैं कि चाहे कितना भी झगड़ा चल रहा हो, चाहे आप लोग अलग क्यों ना हो गए, लेकिन आपका प्यार झलकता है। आपको बता दूं, जब पिछले एपिसोड में बादशाह आए थे तो बादशाह ने भी यही कहा था कि मैं मान ही नहीं सकता कि दोनों के बीच प्यार नहीं, प्यार तो है। हाँ, वो लड़ाइयों के चक्कर में कहीं खो गया, लेकिन अब गोविंदा ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके चलते मधुरिमा और विशाल के चेहरे लटक गए। अब देखना ये होगा कि ये बयान गोविंदा ने आखिर क्यों दिया, इसके पीछे क्या वजह है। फराहान, नेक्स्ट नाइन न्यूज। गोविंदा के इस कमेंट ने सबको चौंका दिया। जी हाँ, गोविंदा के इस कमेंट का क्या मतलब है ये शो टेलीकास्ट होने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूं, गोविंदा का ये कमेंट पता नहीं क्या हो, लेकिन दोनों जोड़ियों का मुंह बन गया था। दोनों जोड़ियों के चेहरे से वो खुशी और रौनक चली गई थी। खैर, ये तो टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी और मसालों और तड़कों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ।